Welcome everybody, welcome to the session. Welcome बच्चों, सभी बच्चों का welcome है welding के session में. तो यहाँ पे बच्चों आज हम कुछ और welding process को discuss करेंगे, जो हमारी कुछ important welding processes है. तो जैसे कि हमारे पास हमने thermit, जैसे हमने अभी तक जो है solid state welding discuss की थी, और liquid state में हमने resistance welding discuss की थी. ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं आज, that is हमारी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में ही हमारी केमिकल वेल्डिंग. सबसे पहले तो केमिकल वेल्डिंग को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम लोग अपनी केमिकल वेल्डिंग के साथ दूसरा हमारा, दैट इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग. क्योंकि हमने देखा था लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में तीन कैटेगरी हमारी थी. ठीक है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में तीन कैटेगरी बच्चों हमारी थी. और जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिक्विड स्टेट मतलब क्या होता है, जहां पे मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होने के बाद आपस में वेल्ड ज्वाइंट होता है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. तो ऐसे में हमारा वो कहलाती है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग. और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हमारा जो है वो तीन कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज फर्स्ट आर्क वेल्डिंग, सेकंड वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एंड द थर्ड वन इज केमिकल वेल्डिंग. तो इसमें से एक कैटेगरी हम कर चुके हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग. अब हम बात कर रहे हैं हमारे केमिकल वेल्डिंग की. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में केमिकल वेल्डिंग की. ठीक है, नाउ अब जिन बच्चों ने भी केमिकल वेल्डिंग नहीं पढ़ी है वो ध्यान से सुनेगा. क्यों? क्योंकि केमिकल वेल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए. जितनी भी केमिकल वेल्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, दे ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. तो इसमें बच्चों केमिकल वेल्डिंग में हमारे पास जो आती है वो आती है एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड गैस वेल्डिंग. तो केमिकल वेल्डिंग में, अब केमिकल वेल्डिंग मतलब साफ है बच्चों कि ज्वाइंट इज क्रिएटेड by heat which evolved, जो heat है वो किस वजह से evolved होती है, which evolved due to chemical reaction. ठीक है, जो heat है वो evolved होती है chemical reaction की वजह से. clear है बच्चों? Now अब ध्यान से बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, देखिए अब जब हम बात करते हैं हमारे पास गैस वेल्डिंग की, तो अब यहां पे रिएक्शन किस तरह होगी, क्या होगी, उसको समझने से पहले आप उसका सेटअप समझ लीजिए कि गैस वेल्डिंग एक नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस है बच्चों. मतलब अगर आप अपने आसपास वेल्डिंग प्रोसेस देखोगे तो आपको दो तरह की, हमने जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस यहां पढ़ते हैं उसमें से दो तरह की वेल्डिंग प्रोसेस जो है आपको सबसे कॉमनली देखने को मिलती है, वो है हमारी आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, है ना. तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आप देखने को मिलती है, आपको छोटा ट्रांसफार्मर लेके कोई भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर लेता है. ठीक है, दैट इज अ मोर पोर्टेबल वे. तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो है वो मैनुअल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो है वो काफी पोर्टेबल होती है, कहीं भी साइट में जाके करी जा सकती है. लेकिन गैस वेल्डिंग हर जगह साइट में जाके नहीं करी जा सकती. गैस वेल्डिंग स्पेशली क्या होता है, उसके साथ सिलेंडर्स अटैच होते हैं, तो वो जनरली एक स्टेबल जगह पे ही, ठीक है ना, करी जाती है. ठीक है, जहां पे भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका स्टेशन होगा उस पर आप करेंगे प्रॉपरली. तो गैस वेल्डिंग जो है वो इतनी पोर्टेबल में नहीं आती है, बट कर लेते हैं कई बार गैस वेल्डिंग को भी इंडस्ट्रियल लेवल पे पोर्टेबली यूज कर लेते हैं, उसको ट्रॉली के साथ अटैच करके सिलेंडर्स को. बट इनफैक्ट वैसा देखा जाए, अगर आपके आसपास की बात करें तो ऑन साइट आप लोग आर्क वेल्डिंग का यूज करते हो, ठीक है ना, वो भी आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग है जो हम लोग पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग में. लेकिन गैस वेल्डिंग जो है वो भी एक कॉमन टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग है, जो भी आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है. तो गैस वेल्डिंग को नाम से हम क्लियर है बच्चों, गैस, तो यहाँ पे गैसेस यूज होती हैं. तो याद रखिएगा यहां पे क्या है, दो सिलेंडर्स यूज होते हैं बच्चों, यहां पे दो तरह के सिलेंडर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. एक सिलेंडर होता है हमारे ऑक्सीजन का, जो रिक्वायर्ड होता है कोई भी चीज को जलने के लिए, और एक सिलेंडर है हमारा फ्यूल, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलीन. तो एक है हमारा एसिटाइलीन सिलेंडर और एक है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर. तो पहले तो ये दो सिलेंडर्स को हम लोग यूज करते हैं, एक हमारा फ्यूल का काम करता है और दूसरा जो है हमारा वो एक तरह से फ्यूल को जलने के में हेल्प करता है. ठीक है, समझ आई बात. अब यहाँ पे बेसिक कुछ चीजें याद रखिए बच्चों. तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा O2 है और ये एसिटाइलीन हमारा C2H2 है. अब ये दोनों सिलेंडर के जो पाइप है, जिनको होज पाइप्स बोलते हैं,
ये दोनों ही हमारे एक इलेक्ट्रोड गन में जाते हैं, ये दोनों ही हमारे जो है वो इलेक्ट्रोड गन में जाते हैं विद रेगुलेटर्स, प्रॉपर रेगुलेटर्स लगे होते हैं इसमें, बट मैं थोड़ा शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं इसका। ठीक है, इस तरह से दोनों ही जो है हमारे गन में जाएंगे। हाँ हाँ बढ़िया है, गैस वेल्डिंग होती है तो अच्छी बात है। ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा, ये दोनों गैस आपस में मिक्सअप होंगी, कोई केमिकल रिएक्शन यहां पे सेटअप होगी, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो है एक फ्लेम यहां पे जनरेट होगी, और उस फ्लेम से जो है हमारी हीटअप होगा, हमारा जो भी हमें वेल्डिंग करनी है, जो भी हमें ज्वाइंट क्रिएट करना है, वहां पे हमारा मेटल मेल्ट होगा, मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में फिर वो वेल्ड जो है वो ज्वाइंट क्रिएट होगा। तो प्रोसेस तो वैसे देखा जाए बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। इसको हम वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग टॉर्च, इसको हम होज पाइप्स बोलते हैं, इसको हम फ्लेम्स हो गए हमारा, और ये हमारा वर्क पीस है ही, ठीक है। बट अब यहां पे मेन बात चीजें जो समझने वाली हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते ही हैं, लेकिन उससे पहले अब याद रखिए बच्चों, यहां पे इन जनरल जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लोग फिलर मेटल का भी यूज करते हैं, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम लोग फिलर मेटल का भी यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिलर मेटल, ठीक है। अब ये फिलर मेटल हमारा किस तरह का काम करता है, जो भी हमारा मेटल मेल्ट होता है उसके हमारा, और ये याद रखिए फ्लक्स कोटेड होता है, फ्लक्स कोटेड, अब इसके बारे में बात करेंगे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है ना। तो नाउ अब यहां पे समझनी है आपको मेन चीज, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, किस तरह की केमिकल रिएक्शन यहां पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो याद रखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन यहां दो पार्ट में होती है, एक होती है प्राइमरी केमिकल रिएक्शन, एक होती है सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रिएक्शन की, प्राइमरी मतलब जो पहले होगी। तो ये समझ लीजिए, जो ये फ्लेम आपको दिखाई दे रही है इसमें सबसे पहले प्राइमरी रिएक्शन होगी, उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो प्राइमरी रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि एसिटाइलीन जो है आपका वो ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। यहां पर याद रखिए बच्चों, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन है और वो हीट लिबरेट करता है, साथ में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन प्लस आपका हीट, हीट जो है लिबरेट होती है। तो यहां पे मेन चीज जो क्वेश्चन आपको पास आता है वो ये है कि देयर इज अ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी रिएक्शन, ठीक है। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है प्राइमरी रिएक्शन में। अब बात आती है सेकेंडरी रिएक्शन की बच्चों, सेकेंडरी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें दो तीन और मेन बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब सेकेंडरी रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है कि सेकेंडरी रिएक्शन में आपका जो हमारा एसिटाइलीन है, ठीक है, अब इसके बाय प्रोडक्ट देखो आप, एसिटाइलीन ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आया तो ये बाय प्रोडक्ट निकले 2CO प्लस H2। अब यहां पे ये 2CO प्लस H2 जो है ये अगेन दोबारा फिर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, और इस बारी जो है वो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कॉन्टेक्ट में यहां पर आता है, दैट इज 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दी। अब यहां पे याद रखिए बच्चों, अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर कि ये 3/2 O2 by mole जो है, 3/2 mole मतलब 1.5 मोल भी कह सकते हो आप इसे, ये कहां से आता है, ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये यहां पे रिएक्शन होती है, उसके बाद जो है आपका वो बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 प्लस H2O एंड प्लस हीट, समझ आ रही बात, जिसको आप डेल्टा एच कह सकते हो आप, एंथैल्पी की फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो डेल्टा एच टू। अब देखो, अब इस रिएक्शन को और ध्यान से देखिए, यही है मेन क्वेश्चन समझने वाला, दो तीन क्वेश्चन यहां पे पीरे पूरे बन जाते हैं। पहली बात, ये था वन मोल ऑफ ऑक्सीजन और ये था 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि टोटल कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं इस केमिकल रिएक्शन में या गैस वेल्डिंग में, तो टोटल कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब आप देख सकते हो 1.5 मोल प्लस 1 मोल, दैट इज यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड,
ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो पहले क्वेश्चन तो ये हो गया, मैं क्वेश्चन के पॉइंट वाइज लिख रहा हूं कि 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टोटल रिक्वायर्ड होता है। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि ये 2.5 का हिसाब क्या कहता है, इसमें जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो कहां से आता है। तो याद रखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम सिलेंडर। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हमने लगाया है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर से बच्चों 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिए 1 मोल ऑफ एसिटिलीन जो है उसके साथ हमारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है, विच इज टेकन फ्रॉम सिलेंडर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम सिलेंडर। एंड 1.5 मोल कहां से लिया जा रहा है, तो दैट 1.5 मोल दिया रखिए पहले सिलेंडर में C2H2 प्लस ऑक्सीजन जैसे यहां पे मिक्स हुआ, तो यहां 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ और प्राइमरी रिएक्शन से हीट जनरेट हुई। और जैसे ही वो हीट जो है वो कांटेक्ट में आई एटमॉस्फेयर के, बच्चों अब यही समझने वाली बात है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि जैसे ही वो हीट जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही जो है आपका रिएक्शन अगेन सेकेंड रिएक्शन होती है, और उस सेकेंड रिएक्शन में एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है और फिर जो है यहां पे हीट लिबरेट होती है। तो अब यहां पे समझने वाली बात है कि 1.5 मोल उसने कहां से लिया, एटमॉस्फेयर से, सिलेंडर से नहीं। तो याद रखिए 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और यही अपने आप में बच्चों क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए कि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम सिलेंडर। तो 1 मोल सिलेंडर से लेके, तो ये जो हमने है ये वाला हमने सिलेंडर से लिया है और ये हमने एटमॉस्फेयर से लिया। मैं क्यों रिएक्शन पे भी लिखने के बाद भी बच्चों क्यों रिएक्शन में लिख रहा हूं, ताकि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको ये हेल्प होनी चाहिए, या आपको ये भी, आपको भी ये तरीका से करना चाहिए कि, ठीक है ना, कि यहां पे प्रॉपर लिख के हम लोग लेके चले। यहां पे रिएक्शन में ही आप पूरा पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में लिखिए प्लीज बच्चों। इस तरह की कोई भी अदर, मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड के अलावा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी न्यूज़ यहाँ पे शेयर ना करें, चाहे वो सच हो या ना हो, ठीक है, उसकी पुष्टि आप इस सेशन से बाहर ही करें। कोई भी न्यूज़ यहाँ पे ऐसी शेयर ना करें, और अगर शेयर किसी ने कल भी दी है गलती से, तो फिर चाहे वो कोई भी हो, हंसने का कोई भी उसमें मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना, कोई भी हो चाहे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच, आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये बस अच्छी बात है कि बच्चे समझदार हैं, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ आई। तो ये है बच्चों हमारी सिंपल रिएक्शन। अब आपको समझने वाली जो दूसरी बात है बच्चों, वो क्या है कि जैसे हमने बोला फिलर हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है बच्चों कि फिलर यूज किया जाएगा। फिलर कब यूज करते हैं, देखो बड़ी वो है, बड़ी मतलब लॉजिकल सी बातें हैं, यहां पे आपको कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ने, लॉजिकल सी बात है, या तो छींक आई जाए या रुकी जाए। हाँ, ध्यान से समझो कि यहां पे जो मेन बात है वो ये है लॉजिकल सी कि मैं क्या बात बोल रहा था, एक सेकेंड, हाँ, फिलर मटेरियल। तो लॉजिकल सी बात यह है कि फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट यह है कि एक्स्ट्रा मटेरियल है वो, कि मान लीजिए आप मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने में कुछ वेपराइज भी हो जा रहा है गैसेस की फॉर्म में, तो अगर मेटल जो है वो शॉर्ट ना पड़ जाए उस वेल्ड को बनाने में, तो ऐसे में हमको एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज करना पड़ता है कि अगर ऐसे में मेटल शॉर्ट पड़ जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें जाएगा तो वो जो है वेल्ड अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। तो कई बार हम फिलर मटेरियल उसी मटेरियल का यूज करते हैं, जनरली जो मटेरियल हमारा वेल्ड हो रहा है उसी का यूज करेंगे, और कई बार कुछ अलॉय भी ऐड कर देते हैं उसमें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो फिलर मटेरियल एक एडिटिव टाइप है जिसको हम लोग एक तरह से उसके प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सेम बेस मेटल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ फ्लक्स वगैरह भी ऐड करते हैं हम लोग उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए जॉइंट को, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैंने यहां पे कहा कि फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट कब है, जब हमें ऐसा लग रहा है कि मेटल शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ऐसा कब लगेगा, जब ऑब्वियसली बात है थिकनेस कम होगी मेटल की, ठीक है ना।
तो जब कम थिकनेस वाला जो मेटल है हमारा, कम थिकनेस वाला जो मेटल है हमारा, जब हम उसको वेल्ड करने जाते हैं, तो फिर चांस क्या रहता है कि हम लोग जैसे ही वेल्ड करें उसका इधर उधर का मेटल वेपराइज हो जाए और गैप जो है वो बड़ा हो जाए, तो ऐसे में मेटल जो है शॉर्ट पड़ जाता है, देन हमें फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब यहां पे बेसिक सी बात समझिए कि यहां पे एक बेसिक सी बात समझिएगा, ठीक है ना, क्या कि फिलर मटेरियल, या बोले व्हेन द थिकनेस ऑफ मेटल इज लेस देन 5 mm, देन फिलर रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड व्हेन द थिकनेस इज ग्रेटर देन 5 mm, जिसको हम प्लेट कह सकते हैं, देन नो फिलर इज रिक्वायर्ड। इस तरह से समझ सकते हैं आप, तब कोई फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये एज पर चॉइस होती है कि हम किस तरह का ज्वाइंट जो है, कैसा प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है एक बात। नाउ अब बात आती है कि यहां पे आपने रिएक्शन देखा और फ्लेम जनरेट हुई, तो कहीं ना कहीं C2H2 और ऑक्सीजन के रेशियो को अगर देखा जाए, C2H2 और ऑक्सीजन के रेशियो को देखा जाए, तो इनके रेशियो के बेसिस पे अलग अलग टाइप की फ्लेम्स जो है हमें जनरेट होती नजर आती है। तो अब यहां पे ध्यान ये रखना होता है कि किस किस तरह की फ्लेम्स यहां पे जनरेट हो सकती हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन यहां पे सीधा सीधा आता है, दैट इज ठीक है, तो यहां पे वो उसको वो जो ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड लेयर दीपक। तो यहां पे जो है हमें सिंपली, तुम लोग क्वेश्चन कुछ पूछ पूछ के ना, हाँ ये क्वेश्चन क्या है आपका, इक्वली स्ट्रॉन्ग तो वेल्ड जॉइंट होने से बेस मेटल में, देखो मैं यही कहता हूं कि उससे स्ट्रॉन्ग सिर्फ तभी हो सकता है बच्चों जब आपने एलॉयज ऐड किया है। वेल्ड जॉइंट बेस मेटल से ज्यादा स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हो सकती है जब एलॉय यूज किया है। और अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, मेरे हिसाब से जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये इमेजिन करने वाली बात है कि हमने एलॉय यूज किया होगा कोई, और अगर हमने इमेजिन नहीं करना है उस चीज को तो फिर हम सीधा आंसर करेंगे दे हैव इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है, तब हम उसको इक्वल स्ट्रेंथ मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस मेटल से स्ट्रॉन्ग, भाई मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल बड़ा क्लियर है कि बेस मेटल से स्ट्रॉन्ग सिर्फ कोई चीज तभी हो सकती है, ज्वाइंट, ज्वाइंट सोचिए बेस मेटल से स्ट्रॉन्ग सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन इट इज, व्हेन वी आर यूजिंग सम एलॉयज इन दी आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो तब उस केस में जो है, तब उस केस में जो है हम लोग यूज करते हैं। समझ आए बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए क्या चीज और क्या कह रहे हो, एक सेकंड बच्चों ये फिर बफर ना करे, एक सेकंड ना, मैं जरा से रिफ्रेश मार ले रहा हूं पेज को, जरा बस 10 सेकंड का टाइम दीजिए, एक सेकंड रिफ्रेश मार ले रहा हूं। ठीक है, हाँ चलिए। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन आप लोग समझे। अब नाउ अब टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में बच्चों बात करें तो याद रखिए टाइप्स ऑफ फ्लेम, तो बेसिकली आप सभी जानते हैं क्या कह रहे हैं, जब टी है तो स्क्वायर ज्वाइंट करके ज्वाइन किया जाता है विदाउट यूज ऑफ फ्लेम। अच्छा इसमें, अच्छा अरे मैंने उल्टा लिख दिया है, ओके 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 ओके,
नहीं, ठीक है ठीक है, या नो ही आएगा, ये फिलर इज रिक्वायर्ड, ग्रेटर देन में है ना, 5 mm से ज़्यादा मटेरियल तो हमारा जॉइंट उस, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल वाले में ही फिलर का रिक्वायर्ड होगा। इसको ठीक कर लो बच्चों प्लीज, नो फिलर रिक्वायर्ड, फिलर रिक्वायर्ड, इसको ठीक कर लीजिएगा, उल्टा लिख दिया है, सही है, ठीक है ना, नो फिलर रिक्वायर्ड लेस देन में, ठीक है, लेस देन में नो फिलर रिक्वायर्ड और ग्रेटर देन में फिलर रिक्वायर्ड, इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, सही कर लीजिएगा इसको, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ फिलिंग में बच्चों, सभी लोग जानते हैं कि रेशियो के बेसिस पे 3 टाइप की फिलिंग हम लोग यूज करते हैं, और अब आप जान सकते हैं कि C2H2 और O2 का रेशियो में एक एसिटाइलिन है जो कार्बन कंटेंट वाला है और एक ऑक्सीजन है, तो जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा एसिटाइलिन बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड अवर कार्बोराइजिंग फ्लेम, जब वो कम होगा तो दैट इज कॉल्ड योर रिड्यूसिंग फ्लेम, और जब हमारा जो है इक्वल होगा दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रल फ्लेम। तो ये बात बड़ी इक्वली क्लियर है, तो हम यहां पे बोलते हैं कि जब O2 बाय C2H2 हमारा इक्वल टू 1 होता है तो दैट इज अवर न्यूट्रल फ्लेम, ये फ्लेम हमारी न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब O2 बाय C2H2 हमारा, अब देखो इसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रही तो ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन ज्यादा रहा मतलब ग्रेटर देन 1 रहा तो इट मींस रेशियो जो है 1.15 से लेके लगभग, अब ये रेंज बच्चों बुक्स में अलग अलग दी हुई है तो एक जनरल रेंज में आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता दे रहा हूं, बट ऑप्शन में बहुत बार अलग अलग आती है ये, तो यहां तक की अगर रेंज है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम, कि अगर O2 C2H2 हमारा लेस देन वन हो जाए मतलब हमारा एसिटाइलिन जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, एसिटाइलिन जो है हमारा ज्यादा हो जाए, तो अगर ये ज्यादा हो जाता है तो लगभग रेशियो जो है 0.85 से लेके 0.95 तक हो जाता है, तो ऑन दैट केस दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम हम लोग इसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिक सी बात हमें ध्यान रखनी है, क्लियर है। हाँ, 0.9 to 1 ये बीच का रेंज बहुत ज्यादा आता है जो कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन अगर इस तरह का आता है 0.9 to 1 के नीचे तो आप रिड्यूसिंग में ही रखेंगे इसे, जिसको हम कार्बोराइजिंग फ्लेम बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम बोल सकते हैं, ठीक है, तब आप इसी में रखेगा। अब आती है इसके टेम्परेचर के ऊपर बात, जो पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं, खैर टेम्परेचर को लेकर क्वेश्चन या फिर हमारे इसके फ्लेम्स को लेकर क्वेश्चन, तो अब देखिएगा ये हमारी कोई फ्लेम है बच्चों, ये हमारी कोई फ्लेम है, तो अगर मैं सबसे पहले न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा हूं तो न्यूट्रल फ्लेम में एक होता है आपका इनर कोन और एक होता है आउटर एनवेलप, एक होता है इनर कोन और एक होता है आउटर एनवेलप, इस तरह से, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखिए न्यूट्रल फ्लेम सबसे सही फ्लेम होती है आपकी, क्यों, क्योंकि ना वो ऑक्सीजन ज्यादा वाली है ना कार्बन ज्यादा वाली है, तो ऐसे में जो है वो सबसे कॉमनली यूज करने वाली फ्लेम्स कहलाती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते भी है कि हमारे कोई फेरस मेटल्स वगैरह हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन होने वगैरह का चांस रहता है, तो फिर वहां पे आप न्यूट्रल फ्लेम यूज कर सकते हो या रिड्यूसिंग फ्लेम यूज कर सकते हो, और अगर हमारे हाई कार्बन स्टील वगैरह हो जाते हैं तो अब ये फेरस भी हैं और कार्बन कंटेंट वाले भी हैं, तो फिर बेटर रहता है कि न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाए, है ना, तब उस केस में बेटर रहता है न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाए। तो अब यहां पे बच्चों दो चीजें आपसे पूछ जाते हैं, एक इनर कोन का टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रखिए इनर कोन हमेशा ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा, तो हम बात करें न्यूट्रल फ्लेम की तो ये लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है हमारा और इनर कोन का टेम्परेचर, ठीक है, और बाहर एनवेलप का टेम्परेचर होता है 1275 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पे मेन समझने वाली बात है कि जो हमारा आउटर फ्लेम होता है बच्चों, दैट इज योर आउटर फ्लेम, आउटर एनवेलप भी बोलते हैं इसे, तो एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछता है कि जो हमारा इनर कोन है यह हमारा किस कलर का होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा इनर कोन है वो किस कलर का होता है, तो याद रखिए इस केस में ऑक्सीड न्यूट्रल फ्लेम के केस में कोई कलर इसमें अलग से निकल के नहीं आता, दैट इज ओनली ब्राइट व्हाइट, दैट इज ब्राइट व्हाइट कलर, तो न्यूट्रल का बड़ा सिंपल है ये चीज याद रखना, दैट इज ब्राइट व्हाइट कलर, क्लियर है। नाउ अब हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये याद रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अलग से भी मार्क कर देता हूं,
ठीक है, कम से कम यहाँ पे लास्ट 3 साल में 2 बार ये पेपर में आया, मैंने जैसा मार्क किया हुआ है, हाँ 2 बार पेपर में ये आया है ये क्वेश्चन, ठीक है तो याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो उसमें इनर कोन हुआ आपका, शॉर्ट इनर कोन होता है, और एक आपका आउटर एनवेलप हुआ, ठीक है आउटर एनवेलप हुआ। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसका टेम्परेचर दैट इज अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। साउंड का क्या है, साउंड तो आ रहा है, अच्छा हिस साउंड, ओहो तू वेल्डिंग का साउंड बता रहे हो, मेरे को लगा मेरा साउंड हिस साउंड आ रहा है। 3300 डिग्री सेल्सियस का इसमें लगभग हमारा ये इनर कोन होता है। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है इंडिविजुअल कुछ पेपर में तो वो कार्बोराइजिंग और इसका पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये अकेला फ्लेम ऐसा है जो 3 लेयर्ड फ्लेम है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होने की वजह से एक इनर शॉर्ट कोन होता है, एक आउटर एनवेलप होता है, और एक जो है इसमें इंटरमीडिएट जो है फ्लेम भी होता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों कि देयर इज एन आउटर एनवेलप, देयर इज इनर शॉर्ट कोन, शॉर्ट इनर कोन, एंड देयर इज इंटरमीडिएट फ्लेम। अब ये इंटरमीडिएट फ्लेम के कारण पूछता है बच्चों, इंटरमीडिएट फ्लेम क्यों होता है, तो याद रखिएगा ओवर कार्बन होने की वजह से, ज्यादा कार्बन होने की वजह से ये इंटरमीडिएट फ्लेम हमें देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। क्यों, ज्यादा कार्बन होने की वजह से कुछ कार्बन जो है वो अनबर्नड रह जाता है, मतलब बिना जले रह जाता है। तो याद रखिएगा इंटरमीडिएट फ्लेम इज ड्यू टू अनबर्नड कार्बन, ड्यू टू अनबर्नड कार्बन, एज द कार्बन इज इन एक्सेस, ठीक है ना, कार्बन जो है वो एक्सेस में होता है, उसकी वजह से कुछ कार्बन जो है वो बिना जले रह जाता है, अनबर्न रह जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्लेम। और वो रेड कलर में ही होती है बच्चों, इसलिए मैंने यहां पे रेड कलर दिखा दिया है, ये इस तरह से रेड कलर में ही देखने को मिलती है, समझ आया बच्चों बात, ठीक है। और यहां पे इनर कोन का टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होता है, दैट इज 2900 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखें, बाकी और खोजोगे तो और भी क्या है, काफी डिटेलिंग है ऐसी, ठीक है ना, जो इसके बारे में और भी लिख सकते हैं, बट ये मेन मेन मेजर चीजें मैंने बताई हैं जो सबसे कॉमनली पेपर में पूछ जाती है। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव सेशंस लेने वाला हूं उसमें मैं लूंगा, उसमें जिस भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो इन पे बेस्ड होंगे वो लूंगा, ठीक है। जिसमें मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ वेटेज वाले क्वेश्चन लूंगा, वेटेज मतलब कि हमारे वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पे मेन स्ट्रेस दूंगा, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वेटेज की वजह से नहीं ले रहा हूं, प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन को मैं उस तरह से लूंगा कि वो कंफ्यूजन दूर हो, नहीं तो वेटेज के हिसाब से हमारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, ठीक है ना, और आपका डिजाइन पार्ट, थर्मल पूरा बोल रहा हूं और डिजाइन पार्ट, इन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इंटरमीडिएट फ्लेम का लगभग 1800-1900 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है बच्चों, इंटरमीडिएट फ्लेम का, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पे हम लोग इस तरह की फिल्म की अब बात आती है बच्चों इसकी एप्लीकेशन की भी, बहुत बार इसकी एप्लीकेशन भी पूछता है, ठीक है ना, बहुत बार इसकी एप्लीकेशन भी पूछता है आपसे कि कहां कौन सी फ्लेम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला न्यूट्रल फ्लेम हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं स्टील्स वगैरह में, ठीक है ना। तो याद रखिए फ्लूड में कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं टू द पॉइंट जिस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बस कोशिश मेरी यही है, अभी तक टाइम मैंने आप लोगों के मैसेज पढ़ लिए हैं तो आधे बच्चे वही हैं मॉर्निंग, आधे बच्चे लेट नाइट, मतलब बीच का टाइम तो मुझे लगता नहीं कोई सुटेबल है, या तो मॉर्निंग है या लेट नाइट है, ये 2 ही टाइम पे सब लगभग एग्री हो रहे हैं, ठीक है, बीच के टाइम में नहीं। अब थोड़ा सा बस ये हो रहा है कि मेरी भी इच्छा थी पर्सनली कि वापस, क्योंकि हमने जो 4 महीने बहुत अच्छी मेहनत की थी, 3 से 4 महीने, वो जो मॉर्निंग वाली जो हम रेगुलर बिल्कुल मॉर्निंग और आफ्टरनून के सेशंस ले रहे थे, जिसमें से 1-1.5 महीना हमने ESK भी लिए थे, 3 सेशन लिए थे, उसके बाद हमने 2 सेशन कर दिए थे और मॉर्निंग और आफ्टरनून, और ये बहुत अच्छे से रेगुलरिटी से डिसिप्लिन के साथ हमने मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन लिए थे, और जिसने वो किए होंगे प्रॉपर साथ में तो डेफिनेटली उसकी तैयारी जो है वो अच्छी ही होगी।
तो अब मैं चाहता था कि वापस वापस थोड़ा सा मॉर्निंग वाली रिदम में आए, क्योंकि मॉर्निंग का बहुत ही गजब मजा था, ठीक है ना। वो कोशिश यही थी, बट अभी देखते हैं, क्योंकि टेस्ट भी है मॉर्निंग में, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो फिलहाल जब तक अभी कुछ नहीं, तो मेरे हिसाब से चलो मैं अभी बता दूंगा टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक है। तो यहां पे हम कह रहे हैं बच्चों, तो हमारे माइल्ड स्टील, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स वाले सेशन हैं ये चलते ही रहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ मैं आपको देता रहूंगा। जैसे ही वेल्डिंग खत्म होगा मैं आपको फॉर्मिंग के सेशन देने शुरू कर दूंगा, ठीक है। और फॉर्मिंग में ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर, एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, तो उसमें बहुत ज्यादा फिर अभी अभी खासकर SSC के लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन SSC के बाद उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं फॉर्मिंग को। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ऑरिफिस नॉचेज वियर इनमें बच्चों, मेरे को भी पता है कि आप, मेरे को बिल्कुल आइडिया है बच्चों तुम लोग कहाँ वीक होंगे। जैसे मैंने कहा कि हर साल वियर पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये गारंटीड है, लेकिन फिर भी हम लोग जिस तरह से एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो वियर पढ़ते हैं उतना अच्छे से हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं उतने अच्छे से, मुझे भी कन्विंसिंग नहीं हूं मैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से वियर पढ़ा दिया और सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं आपसे भी एक्सपेक्ट कैसे करूं कि वियर बहुत अच्छे से आएगा। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं कि इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन लूंगा कि सारे के सारे क्या क्या बन सकते हैं, इजी से इजी या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो सारे लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखिए, जो भी सेशन में लेने वाला हूं इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बेसिक क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेंगे हमारा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे ही क्वेश्चन लिए जाएं, तो ये मैं मान के चलूंगा कि ये सेशन उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना बेसिक क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि सर सेशन थोड़ा टफ हो रहा है, ये हो रहा है। मेरी कोशिश ये रहेगी, जितना टाइम है उसके हिसाब से मेरी कोशिश ये है, और कल तो होगा ही होगा, गारंटीड सेशन होगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सेशन में आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर मैं उसमें 50 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे हो कि जिसमें से फंसने का कोई ना कोई क्वेश्चन का चांस बने, ठीक है। तो इसीलिए उससे इजी वाले जो क्वेश्चन होंगे, मैं ये मान के चलूंगा वो तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ये चीज का हम लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का ध्यान रखो बच्चों। मैंने आपको बोला ही है बच्चे, बस कोशिश ये है कि आप इस मैसेज को सब तक पार करा दीजिएगा। और टाइमिंग जो है कल की टाइमिंग, कल टेस्ट भी है ना, कल टेस्ट भी है, तो कल का सेशन तो मेरे हिसाब से टेस्ट लगभग 9 बजे का, 9:30 का टेस्ट होता है, 9:30, 10:30, 11:30 टाइमिंग डिसाइड करने में समझ नहीं आ रहा है। चलो खैर देखते हैं, अभी आज तो कर ही लेंगे, कल तो सेशन लेना ही लेना है, क्योंकि एक एक दिन निकलता जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों एग्जांपल लिख लीजिए, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, एल्युमिनियम अलॉय, स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, एल्युमिनियम अलॉय, और हमेशा याद रखिए बच्चों लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील जो है हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता है, लो कार्बन स्टील रहता है, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो एल्युमिनियम अलॉय, स्टील, ये सब जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं, तो ये क्लियर कट दिमाग में रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग में कभी भी फेरस यूज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर फेरस ऑक्साइड बना देते हैं। टेस्ट अगर दिन में दे सकते हो तो फिर बहुत टेस्ट दिन में दे सकते हो तो फिर आपका बेटर है, कि अगर टेस्ट दिन में होगा तो फिर सुबह सेशन हो सकता है, क्योंकि सुबह अगर टेस्ट होगा तो फिर सेशन नहीं होगा। अच्छा, आपकी सेकंड मीटिंग कब होती है SSC की? 2 बजे के आसपास ना, क्योंकि ये है ना, मैंने आपको कहा ना कि हैबिट वही पढ़नी है आपको टेस्ट देने की, तो या तो मॉर्निंग में टेस्ट होगा या फिर इवनिंग वाले, आफ्टरनून वाले सेशन में होगा। तो ये चीज ऐसा करेंगे फिर, या तो वो बेटर है, ऐसा करते हैं या तो कि दिन वाले सेशन में, SSC का जो दिन वाला सेशन का पेपर होता है सेकंड मीटिंग का, उसमें टेस्ट रख लेते हैं, ताकि जिनका दिन का भी रहेगा तो उनको भी हैबिट रहेगी उस टाइम पे टेस्ट करने की, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेंगे हम लोग कि दिन वाले सेशन में टेस्ट रख लेंगे और मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हम लोग, अभी मैं शेड्यूल डाल देता हूँ, तो मॉर्निंग का टाइम उस हिसाब से रख लेंगे हम लोग, लेकिन दिन वाले सेशन में जो है टेस्ट रख लेंगे, ये सही चीज है।
क्योंकि मॉर्निंग का एक अलग ही मजा है बच्चों, जो हैबिट बहुत अच्छी हमने बनाई थी और काफी सक्सेसफुल भी रहे थे हम उस चीज में। मैं देख रहा था बच्चों के अंदर बहुत अच्छा सुधार आया था मॉर्निंग को लेके, ठीक है ना, और आगे भी करेंगे इन फ्यूचर। ये एसएससी निपटने के बाद वापस अपने वही शेड्यूल में लौटेंगे जो हमारा मस्त सा शेड्यूल था कि मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के क्लास करें, उसके बाद दिन में प्रैक्टिस करें, तो वो करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है। उसमें मेरे लिए भी काफी बेटर रहता था, क्योंकि क्या होता है ना, काम में किसी काम में फंस जाओ, कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ तो वैसे ही ज्यादा होती है घरों में दुर्घटना, तो ऐसे में कम से कम ये कि मॉर्निंग मॉर्निंग में एटलीस्ट कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है ना। चलिए तो ये मैं अभी नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेस्ट रिलेटेड भी सबको, कि दिन में टेस्ट को अटेम्प्ट करें। चलिए तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किसी भी तरह का फेरस मटेरियल यूज नहीं होता है, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम वेल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन फेरस, दैट इज कॉपर जिंक ब्रास बोन्ज, कॉपर जिंक ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है, इस तरह के नॉन फेरस। तो ये चीज दिमाग में आपके रहेगी तो ये पॉइंट भी क्लियर रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बात करें हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम और कार्बराइजिंग फ्लेम की, तो यहां पे याद रखिए बच्चों हमारे पास हाई कार्बन स्टील निकिल बेस्ड जो अलॉय होते हैं, निकिल बेस्ड अलॉयज, इन सभी का यूज जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम किया जाता है, एज अ रिड्यूसिंग फ्लेम में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है बच्चों कास्ट आयरन, क्योंकि कई बार कास्ट आयरन को लेके भी कंफ्यूजन रहता है कि कास्ट आयरन से हम लोग किस फ्लेम को यूज करते हैं कास्ट आयरन के लिए, तो कास्ट आयरन बच्चों जनरली दोनों जगह देखी जाती है। कास्ट आयरन में न्यूट्रल फ्लेम के लिए भी यूज करते हैं और कास्ट आयरन हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम के लिए समटाइम यूज करते हैं हम लोग। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या क्या आ रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है फ्लेम्स के दोनों के नाम रहेंगे आपको, तो ये क्वेश्चन को भी मैं जरूर लूंगा इसमें। तो याद रखिए कास्ट आयरन अगर लिखना चाहते हैं तो दोनों में कास्ट आयरन, इसमें बस इसमें यूज नहीं होगा कास्ट आयरन, बाकी कास्ट आयरन यहां भी हमें देखने को मिलता है और कास्ट आयरन हमें यहां भी देखने को मिलता है, तो दोनों ऑप्शन रहते हैं जिसकी वजह से आंसर करने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है ज्यादातर पेपर्स में जो है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम को आंसर किया गया है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग को आंसर रखना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नाउ ये तो रही हमारी टाइप्स ऑफ फ्लेम। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आपने कहीं ना कहीं वेल्डिंग टेक्निक को लेके भी क्वेश्चन सुना होगा, गैस वेल्डिंग टेक्निक हम लोग जो यूज करते हैं उसको लेके भी क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग टेक्निक, दो तरह की गैस वेल्डिंग टेक्निक हमें यहां पर देखने को मिलती है, वो होती है हमारी फर्स्ट वन दैट इज अवर गैस वेल्डिंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड फोर हैंड टेक्निक, और एक होती है बैक हैंड टेक्निक दैट इज कॉल्ड फोर हैंड। तो इसको मैं डिफरेंस बिटवीन के तौर पे लिख देता हूं, फोर हैंड टेक्निक, और इसका लॉजिक भी मैं बता दूंगा कैसा है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक होती है बैक हैंड टेक्निक। अब देखो अब लॉजिक को समझो बच्चों, दो क्वेश्चन यहां पे ऐसे आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोर हैंड टेक्निक एंड बैक हैंड टेक्निक। नाउ अब डायग्राम से याद रखिएगा, हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोलो ये एक ही बात है। फोर हैंड ये हो गया ना, देखो फॉरवर्ड आगे को मूव करना इज कॉल्ड फोर हैंड, मैं अपने हाथ को ऐसे चला रहा हूं दैट इज कॉल्ड फोर हैंड, मैं अपने हाथ को पीछे कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड बैक हैंड, ठीक है। अब मैं वेल्ड कर रहा हूं, वेल्ड करते हुए समझ लीजिए ये मैंने अपने हाथ से जो है वो टॉर्च पकड़ा हुआ है, जो वेल्डिंग टॉर्च है वो पकड़ा हुआ है, और मैं ऐसे जॉइंट क्रिएट, ये मैंने आपका पकड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड फिलर मटेरियल, ठीक है। अगर मैं यूज कर रहा हूं फिलर मटेरियल तो ये है, तो ये फ्लेम है, ये टॉर्च है मान लीजिए, और ये फिलर मटेरियल है। तो अगर मैं इस तरह से वेल्ड करते हुए चल रहा हूं बच्चों इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड फोर हैंड टेक्निक, समझ रहे। तो मतलब जॉइंट कहां क्रिएट हो रहा है, देखो फ्लेम ये है, ये फिलर मटेरियल है, जॉइंट मेरे पीछे क्रिएट होता हुआ जा रहा है ना, ये जॉइंट जो है वो क्रिएट ऐसा होता हुआ जा रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा फोर हैंड। तो अब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, इस पर मैं वेल्डिंग कर रहा हूं, तो ये है मेरा वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है, इससे आ रही है फ्लेम इस तरह से, और यह है मेरा कोई फिलर मटेरियल मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं वेल्ड कर रहा हूं, तो फोर हैंड टेक्निक मैंने बोला ना, ये मेरा वेल्डिंग टॉर्च है, ये मेरा फिलर मटेरियल है, और मैं वेल्ड करते हुए ऐसे चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है, रेडमैन कहां गया,
इसका मतलब ये है कि वेल्ड जो है वो इस तरह से प्रिपेयर होता हुआ चल रहा है, ये इस तरह से वेल्ड जो है ज्वाइंट क्लियर होता हुआ चल रहा है, बनता हुआ चल रहा है, ये ज्वाइंट बनता हुआ चल रहा है, समझ आ रही बात, इस तरह से। तो दैट इज कॉल्ड फोर हैंड टेक्निक। इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मेरा हाथ जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, वर्कपीस नहीं हाथ, दैट इज कॉल्ड फोर हैंड। और बैक हैंड कैसे होता है, जब मैं पीछे को आ रहा हूं, सेम इसी टेक्निक के साथ मैं पीछे को आ रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे में जब मैं इधर बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे में जब मैं इधर बात कर रहा हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च और इसको चेंज नहीं करिएगा। तो ये समझ लीजिए कि इस तरह से कुछ वेल्डिंग टॉर्च है मेरा, ऐसा, और ये मेरा फ्लेम है, ऐसा, और ये मेरा मानो फिलर है, और मैं जो है इधर से, अब यहां पे एक चीज समझिएगा बच्चों, एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत तो नहीं कहूंगा, गलत तो नहीं बनाई है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी बना सकता था, वो ये है कि आप जब इनर कोन से हीटअप करते हो जनरली, ठीक है, इनर कोन से आप हीटअप करते हो, तो इनर कोन से मैं थोड़ा नजदीक बनाता हूं इसे, तो देखो इनर कोन से आप हीटअप करते हो ये कुछ इस तरह से रहता है। तो जब इनर कोन से मैं हीटअप कर रहा हूं तो एनवलप जो है वो ऐसे बाहर को निकला रहता है इस तरह से, ठीक है। और जब मैं सेम यही चीज क्या कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, तो जब मैं समझ लीजिए इनर कोन से इस तरह से हीटअप करके चल रहा हूं, तो एनवलप जो है मेरा इस तरह से बाहर को रहेगा और इनर कोन से मैं हीटअप कर रहा हूं, ऐसा कुछ। अब इसमें ऐसा क्यों करा मैंने, समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यही है इसके पीछे का मेन कारण, बस जो इस टेक्निक में अंतर है वो यही है। तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि मैं इधर से इधर को चल रहा हूं, तो मैं वेल्ड ऐसे बनाते हुए चल रहा हूं, ये मेरा वेल्ड जो है वो इधर से इधर को चल रहा है, समझ रहे ना, दोनों में ये फर्क है बस, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं इसे, कुछ इस तरह समझ लीजिए आप, ऐसा ये वेल्ड ऐसे बनते हुए चल रहा है, देखिए कुछ इस तरह से समझ लीजिए। तो अब देखो बच्चों, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं इस वाली टेक्निक में इधर को मूव हो रहा हूं, इधर को चल रहा हूं, तो देखोगे मेरा आउटर एनवलप से क्या हो रहा है, आउटर एनवलप और आगे को बढ़ेगा भाई, आउटर एनवलप जो है वो आगे को बढ़ता जाएगा, पहले मतलब यहां पे जैसे ही मैं वेल्ड को नजदीक ला रहा हूं, पहले आगे वाली फ्लेम जो है मेरे, जो मेटल वेल्ड होने वाला है, जो हिस्सा वेल्ड होने वाला है, उसको हीट अप करना शुरू कर देगी, है ना भाई। मैं इधर को आगे बढ़ रहा हूं तो आगे से ये फ्लेम जो है वो ऑलरेडी आगे निकली हुई है, और वो फ्लेम आगे निकली हुई है तो वो इस मेटल को हीट अप करना शुरू कर दे रही है बिफोर वेल्ड, तो दैट इज कॉल्ड प्री हीटिंग टेक्निक। इसको बोलते हैं प्री हीटिंग टेक्निक। प्री हीटिंग टेक्निक में क्या होता है कि हीट अप होने से, वेल्ड होने से पहले जो है मेटल हीट अप हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, वेल्ड होने से पहले जो है मेटल हीट अप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री हीटिंग टेक्निक। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे कि हमने वेल्ड बना लिया, जैसे जैसे आगे को चल रहे हैं, लेकिन फ्लेम तो क्या कर रही है, फ्लेम जो है वो हमारे पीछे जो वेल्ड हो चुका है उसे हीट अप कर रही है अभी भी, ठीक है ना, मतलब आगे तो बढ़ते जा रहे हैं हम, लेकिन ये फ्लेम तो उस तरफ को है ना, तो ये हमारा जो वेल्ड होने वाला है उसे तो नहीं हीट अप कर रही है, तो देयर इज नो प्री हीटिंग, लेकिन जो पीछे वेल्ड हो चुका है ये अभी भी उसी को हीट कर रही है ऐसे करके। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट हीटिंग टेक्निक बच्चों, दैट इज कॉल्ड पोस्ट हीटिंग टेक्निक। बस ये छोटी सी बात आपको समझनी है कि व्हाट इज प्री हीटिंग टेक्निक और पोस्ट हीटिंग टेक्निक में क्या अंतर है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, फोर हैंड टेक्निक जो होती है वो हमारी प्री हीटिंग टेक्निक होती है, और हमारे जो बैक हैंड टेक्निक होती है वो हमारी पोस्ट हीटिंग, या फिर इसे री हीटिंग भी कहते हैं, और रीहीटिंग टेक्निक होती है, ठीक है, और इसे रीहीटिंग भी कहते हैं, समझ आए बात, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ सकते हैं, तो अब यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये राइट है ये लेफ्ट है, तो हमारा जो फोर हैंड टेक्निक में मूव करता है टॉर्च, वो हमारा क्या मूव करता है, राइट टू लेफ्ट, तो याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करता है, और यहां पे साफ दिख रहा है आपको लेफ्ट टू राइट मूव करता है,
ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात भी जो है याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन सबसे कॉमन देखने को मिलता है बच्चों कि यहां पे हम लोग जो है वो कास्ट आयरन जो है वो उसमें कौन सी टेक्निक यूज करनी सही रहती है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार हर रिफ्रेशर बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे में हमसे जरूर पूछा जाता है कि कार्बन को जो है हम किस टेक्निक से करना बेटर रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए कार्बन को प्री हीटिंग टेक्निक से करना बेस्ट रहता है। कार्बन कास्ट आयरन जो है इज वेल्डेड बाय प्री हीटिंग प्रोसेस। ऐसा क्यों, इसका रीजन ये होता है बच्चों कि जब हम पोस्ट हीटिंग से करने की कोशिश करते हैं तो पोस्ट हीटिंग से जो है, आई सर्च बट आई डिड नॉट गेट मेक इट इजी पोर्टल ऑन गूगल, देन वट आई शुड डू, सो आई विल गेट मॉक टेस्ट। यू शुड ओनली डू टू गो टू द डिस्क्रिप्शन। बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इतना मुश्किल कहाँ है। इसी वीडियो के हम गूगल वूगल में भी नहीं मिल पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने एक रुपया भी खर्च ही नहीं किया है इस गूगल पे आने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट का एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, तो इतने आसानी से कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है उसको खोलिए, और डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक दिए हैं, आप एक क्लिक में सीधा पोर्टल में पहुंच जाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और आपको सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है जी। तो बहुत आसान है फ्री में काम करना। तो कास्ट आयरन इज वेल्डेड बाय प्री हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि पोस्ट हीटिंग करने पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि कास्ट आयरन में फ्री कार्बन प्रेजेंट रहता है, और फ्री कार्बन जब हमारा वेल्ड ज्वाइंट हो जाता है तो वेल्ड वाले हिस्से में फ्री कार्बन जो प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे में जब हमारा, देखा था ना आपने आउटपुट हमारा रिएक्शन में क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, फ्री कार्बन होने की वजह से जब उसमें वापस पोस्ट हीटिंग होती है तो कार्बाइड फॉर्मेशन होती है, और कार्बाइड फॉर्मेशन होने के कारण जो है वो ब्रिटलनेस आ जाती है और फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ऐसे में जो है वो इजिली कास्ट आयरन का पीस जो है वो फ्रैक्चर्ड हो सकता है, ठीक है ना, डिफॉर्म हो सकता है, ब्रिटल और हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट हीटिंग टेक्निक में इट विल बिकम मोर ब्रिटल एंड हार्ड ड्यू टू कार्बाइड फॉर्मेशन, कार्बाइड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन दिस, ठीक है ना, बाय दिस टेक्निक, इस टेक्निक से अगर हम कास्ट आयरन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इट इज बेटर टू टू यूज फोर हैंड टेक्निक, दैट इज प्री हीटिंग टेक्निक, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। और इसमें हमें बेनिफिट क्या होता है बच्चों कि हम लोग प्री हीटिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर मटेरियल हमारा कोई कोल्ड फॉर्मिंग होके पीस आया है, ठीक है ना, जिसके अंदर रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं, तो वो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो रिमूव हो जाते हैं प्री हीटिंग से। तो ये भी याद रखेगा, ये भी इसका एक एडवांटेज है, फोर हैंड टेक्निक का ऊपर लिख रहा हूं मैं, दैट इज रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैन बी, रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। ये सब जो है बेनिफिट हमारा फोर हैंड टेक्निक पे हमें देखने को मिलता है। समझ आए बच्चों बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई सबके। नाउ अब मैं आपको बता देता हूं साथ साथ हमारी, दैट इज कॉल्ड हमारी सेकेंड केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस, दैट इज योर थर्मेट वेल्डिंग। और थर्मेट वेल्डिंग में एक ही क्वेश्चन है बच्चों जो हमेशा से बार बार आता है, एक से दो क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन आपको जान लेने हैं, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगी थर्मेट वेल्डिंग क्या है। लेकिन ये मत समझिएगा गैस वेल्डिंग में बस इतना सा हो गया और खत्म, ठीक है। इसीलिए जैसे ही ये सेशन खत्म होता है तुरंत वीडियो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, पुराना वीडियो है लेकिन बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपने देखा हुआ नहीं है बिकॉज एक टाइम पे वो पेड वीडियो है। तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल, क्योंकि देखिए पुराने वीडियो जो पेड भी हैं और अगर मैं नए बना रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उसे यूट्यूब में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे मेरे पास छुपा के रखने से उसको कोई फायदा नहीं है, जितने लोग उससे पढ़ लें उतना बेहतर है, ठीक है। और ऐसा ही करते जाएंगे हम हमेशा आगे भी, जब भी कोई नया वीडियो बन रहा है किसी चीज का तो फिर पुराना बांट सकते हैं इस तरह से, ताकि सभी लोग यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे एक वीडियो मैं शेयर करूंगा जहां पे मैंने जो पहले बनाया था, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, जिसमें मैंने गैस वेल्डिंग के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ये मैंने कल भी बताया था आपको, गैस वेल्डिंग नहीं हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग अब हो चुका है, और गैस वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए थे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, वो 15-20 ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने प्रॉपर बोर्ड में लिया है उन क्वेश्चंस को, तो वो मैं सेशन इसके जस्ट बाद डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो है आप वहां पे
क्या सर प्लीज अपलोड द वीडियो ऑन अदर वेल्डिंग प्रोसेस एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग ऑन पॉज्ड कोर्स। उसमें तो बच्चे सारे वीडियो डाले हुए हैं ऑलरेडी, एक मेरे ख्याल से एक वेल्डिंग टेक्निक छुटी हुई है शायद उसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग शायद, वो मैं आपको बता दूंगा, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो यहां पे याद रखिए वो कल के सेशन में भी हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन ओरिएंटेड है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक वीडियो जस्ट इसके बाद जरूर डाल दूंगा इस सेशन के खत्म होते ही, जिसमें आप आराम से जो है उन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो 90% आने के चांस रहते हैं, 90%। तो उससे अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन क्या होगा, क्लियर है, तो जरूर देखिएगा उस चीज को। नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों एक और केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस की, तो उसमें आपको गैस वेल्डिंग के और भी जो क्वेश्चंस हैं जैसे इलेक्ट्रोड के एंगल वेंगल को लेके, वो सब कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगला यहां पे आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग। प्लीज बच्चों बस किसी तरह से मेहनत करके इस साल सेटल हो जाओ यार, हो जाओ, ताकि मेरे को बहुत बड़ा आराम मिले। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होऊंगा मैं इस चीज को लेके अगर सेटल हो जाओगे इस साल, क्योंकि मेरे जो प्लान है अगले साल के वो सब खराब हो जाएंगे अगर तुम लोग सेटल नहीं हुए। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगले साल से मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो कोचिंग करें, मैं यही चाहता हूँ कि कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि वो कॉलेज से बाहर निकल के सीधा पेपर देना है तो पेपर दें, कुछ और करना है तो कुछ और करें, लेकिन बाहर आके तीन तीन साल चार चार साल सरकार का वेट ना करें कि मेरा पेपर निकलेगा, समझ आ रही बात। तो वो उस चीज पे मैं काम करना चाहता हूं, मैंने आपको पहले बताया था कोचिंग प्रथा को खत्म करना ही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इस चीज पे काम करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट ईयर से, ठीक है ना, बट अभी कुछ कर नहीं सकते तो फिर अभी यही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि आप लोग प्लीज सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि तुम लोग सेलेक्ट नहीं होगे तो फिर मेरा वही टेंशन रहेगा कि इनका कुछ करना है पहले, ठीक है ना। तो पूरी जान लगा दो बच्चों इस साल, बस यही लास्ट टाइम सोच के चलो क्यों सेटल होना ही होना है, कोई भी हो और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर अगले साल आप होंगे मेरे साथ, मैं होऊंगा, फिर हम अपने जूनियर्स जो कॉलेज में हैं उनकी हेल्प करेंगे मिलके। ठीक है, मैंने तो कहा ना छोड़ के तो मुझे कहीं जाना नहीं है, तुमने चाहे कहीं भी सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी साथ ही रहना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम काम करेंगे और चीजों के लिए, क्योंकि जेई बनना सिर्फ छोटा, इतना छोटा सपना नहीं हो सकता हमारा कि सिर्फ जेई बने और जीवन सफल हो गया, सपना थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नाउ थर्मिट वेल्डिंग बच्चों एक बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। कैसे? क्योंकि ये वेल्डिंग जो है वो बड़ी सिमिलर टू कास्टिंग है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है, अभी तक तो सिर्फ बुक्स में ही देखा है मैंने, पूछा नहीं है किसने, कि कौन सी ऐसी वेल्डिंग टेक्निक है जो सिमिलर टू कास्टिंग है, क्योंकि यहां पे भी जो है पूरा मेटल जो है वो मेल्ट किया जाता है, पूरा मेटल जो है वो मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके जो है वो कास्ट में डाला जाता है। ठीक है ना, मेटल जो है वो कास्ट में डाला जाता है, क्लियर है। तो ऐसे में ध्यान रखना है सिमिलर टू कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारा वेल्डिंग हमें क्रिएट करना है, तो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल और एप्लीकेशन जो है बच्चों जो बचपन से हर एक से पूछा जा रहा है, पापा से भी पूछा गया था, आपसे आपसे आपको भी पूछा जा रहा है और आपके बच्चों को भी पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग इज यूज टू ज्वाइन रेल ट्रैक्स। ठीक है ना, तो रेल ट्रैक्स को जो है रेल्स को ज्वाइन किया जाता है इस टेक्निक से। तो अब यहां पे क्या है, एक फर्नेस का यूज किया जाता है बच्चों सबसे पहले, तो पहले मैं रेल का हिसाब बता दूं कि मान लीजिए कोई रेल ट्रैक है जिसको आई सेक्शन हम लोग कहते हैं, तो आई सेक्शन का कोई ट्रैक है आपका, उस पर हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें हल्का सा, कि मान लीजिए कुछ इस तरह का आई सेक्शन का कोई ट्रैक है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा कोई रेलवे ट्रैक है, दूर से अभी ट्रेन रुका के यहां पे क्या हो रहा है, अचानक इस रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ गई। तो सेम इस तरफ भी होगा ट्रैक जिसको ज्वाइन करना है, तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर दे रहा हूं मैं फिगर को कुछ ऐसे, जो इस साइड का होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो कुछ इस तरह का होगा अगर फिगर में देखें, कुछ ऐसा। तो ये दो पार्ट है ट्रैक के जो हमें ज्वाइन करने हैं, मानो, ठीक है, लग रहा है कोई ट्रैक जैसा, ठीक है, तो ये मानो हमें ज्वाइन करना है। तो अब क्या करते हैं, इसमें मोल्ड वोल्ड बना के इस हिस्से को पहले पूरा इसको हॉलो कैविटी बना देते हैं। तो अब यहां पे प्रॉपर इसकी सेटिंग मोल्ड वोल्ड लगा के, ठीक है ना, चारों तरफ से मोल्ड वोल्ड लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझें
यहाँ पे कि ये हमने मान लीजिए पूरा तैयार कर दिया, अब इसको तो मैं ढक नहीं सकता ना, तो डन ढक दिया पूरा, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ढकने के बाद हमने पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर जस्ट ऐसे इस्टेब्लिश कराते हैं कि हमारा ये फर्नेस भी रहे इसके ऊपर। तो जस्ट एक फर्नेस हम लोग इसी के ऊपर लगाते हैं सीधा, इसको बोलते हैं बच्चों क्रूसिबल फर्नेस, दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल फर्नेस। ठीक है, क्रूसिबल फर्नेस हम लोग यूज करते हैं जहां पे हम जो है थर्मिट मिक्सचर यूज करते हैं, थर्मिट मिक्सचर डालते हैं। अब बात आती है व्हाट इज थर्मिट मिक्सचर। ठीक है, अब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहां पे आता है व्हाट इज थर्मिट मिक्सचर। तो याद रखिए बच्चों एल्यूमिनियम और आयरन का जो मिक्सचर होता है उसे थर्मिट मिक्सचर बोलते हैं। तो दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सॉरी आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है उसे हम थर्मिट मिक्सचर बोलते हैं, दैट इज योर थर्मिट मिक्सचर। ठीक है, अब ये आयरन ऑक्साइड हमारा होता है Fe3O4, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं बच्चों Fe3O4, और भी बढ़ा सकते हो आप इसके। ठीक है, तो Fe3O4 और एल्यूमिनियम का मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बार देखो आता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, और अगर इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि ठीक है ना, इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ है बच्चों, आपने एल्यूमिनियम से जोड़ना है या आयरन से जोड़ना है, पहली बात ऑब्वियस बात है, आयरन को सेपरेट करना चाहेंगे ना आप, आयरन से जोड़ना है आपने, तो फिर ज्यादा क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए कि एल्यूमिनियम होना चाहिए? ठीक है ना, ऑब्वियस बात है, ज्यादा क्या होना चाहिए, दैट इज एल्यूमिनियम की जगह दैट इज आयरन होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ना। तो इसलिए रेशियो जो है बड़ा आयरन का ही लेना आपने, दैट इज 3:1, क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा आता है कि एल्यूमिनियम टू आयरन ऑक्साइड पूछेगा, वो एल्यूमिनियम टू 1:3 ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए रेशियो मत रटो, रेशियो मत रटो 3:1 या 1:3, क्योंकि जल्दबाजी में आप गड़बड़ करते हो, और बहुत बच्चों ने मेरे गड़बड़ किया है पहले भी, कि 3:1 की रट के चले गए और वहां पेपर में आया 3:1 दिखा, 3:1 दिखते ही टिक कर दिया, ये नहीं देखा कि उसने आयरन टू एल्यूमिनियम पूछा या एल्यूमिनियम टू आयरन पूछा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपरों में हर तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, किसी किसी पेपर में एल्यूमिनियम टू आयरन आया, किसी किसी पेपर में आयरन टू एल्यूमिनियम आया। तो जब भी इसका आंसर करें थोड़ा सोच समझ के दिमाग खोल के करें कि दैट इज आयरन टू एल्यूमिनियम है, तो 3:2 बस आयरन के साथ 3 चलेगा, आयरन टू एल्यूमिनियम 3:1, एल्यूमिनियम टू आयरन 1:3, बस ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सालों से पूछा जा रहा है, जैसे मैंने कहा सबसे पूछा गया है, पूरे परिवार से पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो अब क्या होता है, ये थर्मिट मिक्सचर हम जैसे ही मिलाते हैं बच्चों, तो यहां पे एक रिएक्शन होती है हमारे पास Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम की। ठीक है, जिसमें 3 Fe3O4 है और 8 एल्यूमिनियम हम लोग मिक्स करते हैं, और यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और मेन बात है कि बहुत हाई एनर्जी बच्चों रिलीज होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आयरन अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाता है, आयरन जो है हमारा वो अलग हो जाता है, और हमारा जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 दैट विल सेपरेट आउट, और प्लस साथ में जो है बहुत सारी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है ना, अब चाहे तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस आप कर लीजिएगा जैसी भी हो रही होगी, 3 Fe3 3 आयरन 9 हो गया, हो जाएगी वैसे 3 3 आयरन 9 हो गया, और 8 एल्यूमिनियम तो 2 है ऑलरेडी, 4 हो गया, बस ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, 3 4 12 ऑक्सीजन 12 हो गई, बैलेंस हो गई भाई। ठीक है ना, हाँ बुजुर्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा, इससे बुजुर्ग क्वेश्चन शायद ही कोई हो नहीं, एक क्वेश्चन इससे भी ज्यादा बुजुर्ग है, इससे भी बुजुर्ग भी है और बहुत ज्यादा यूज करा हुआ भी है, मतलब ऐसा बुजुर्ग जिसका बहुत यूज हुआ है, जमाने ने बहुत यूज किया है, वो है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, आंसर बता दो भाई। इस क्वेश्चन को तो अकेला SSC ने इतना यूज किया है जैसे पेटेंट क्वेश्चन होगा इसका कोई। ठीक है ना, तो ऐसे कई बुजुर्ग क्वेश्चन है, और कई बच्चे इसको भी गलती कर दे तो फिर तो क्या ही जो बोलो। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों थर्मिट मिक्सचर को जैसे ही स्पार्क किया जाता है, थर्मिट मिक्सचर को जैसे ही स्पार्क किया जाता है, स्पार्क करते ही ये बर्नआउट होता है, और वहां पे बहुत ज्यादा ये एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी से पूरा मेटल जो आयरन है, ये आयरन जो है ये मोल्टन फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में, फिर इस हीट एनर्जी की वजह से ये आयरन जो है वो मोल्टन फॉर्म में होता है, और मोल्टन फॉर्म में सारा का सारा आयरन जो है नीचे आता है और हमारे कास्ट में जो है जाके पूरा का पूरा इस कैविटी में भर जाता है, बिल्कुल कास्टिंग की तरह। तो यहां पे बिल्कुल सैंड के साथ आप कास्टिंग तैयार करते हो कैविटी पूरी पहले। ठीक है, तो इस तरह की कास्टिंग में जो है ये
पूरा कास्टिंग की तरह ऐसे भर जाता है, और फिर उसके बाद बस आपने फिर क्या है ये थर्मिड मिक्सचर का सेटअप हटाया, ठीक है, थर्मिड मिक्सचर का सेटअप सारा हटाया आपने और इसे जो है ग्राइंड व्राइंड कर दिया प्रॉपर, ठीक है, प्लेन कर दिया। तो बस यही करते हैं, उसके बाद आपने ग्राइंड करके इसे पूरा प्लेन कर देते हैं और ट्रैक आपका जो है वो कंप्लीटली इस तरह से ज्वाइन हो जाता है। तो बस ये है आपकी थर्मिट वेल्डिंग जिसको हम इस तरह से यूज करते हैं। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात? तो ये एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है। कभी कभी इससे डेप्थ क्वेश्चन आ जाए तो ये है कि यहाँ पे जो क्रैकर्स यूज होते हैं वो किस तरह के, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम रॉड्स यूज करते हैं, मैग्नीशियम रॉड्स एंड क्रैकर्स का यूज होता है उसे बर्न आउट करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मैग्नीशियम रॉड एंड क्रैकर्स का यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। और क्रूसिबल फर्नेस मैंने आपको बता दी, बाकी इसके भी क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। और याद रखिए इसकी एप्लीकेशन जैसे मैंने ये तो बताई है यूज टू ज्वाइन रेल ट्रैक, लेकिन एक मैच द फॉलोइंग में एक कहीं पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि जहां रेल ट्रैक्स नहीं था तो वहां पे याद रखिए कास्टिंग, कास्टिंग एक दूसरी हिंट है कि थर्मिड मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं कास्टिंग ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पे ब्रोकन कास्टिंग था, ब्रोकन कास्टिंग, तो ब्रोकन कास्टिंग को ज्वाइन करने के लिए भी जो है हम लोग यूज करते हैं बच्चों। तो मतलब टूटी फूटी कास्टिंग होती है उनको भी ज्वाइन करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, समझ आई बात? हाँ गौतम जी, ये तो न्यूज अब पुरानी हो चुकी है कि बिहार के स्टूडेंट, और मैं देख रहा था चैट में बच्चों ने कमेंट करे हुए थे इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, चैट में बच्चों ने कमेंट करे हुए थे कि बिहार वालों के लिए बेनिफिट हुआ या फिर हमारे लिए नुकसान हुआ, क्या हुआ? तो देखिए बच्चों, एक तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि SSC इतना तगड़ा बोर्ड, मतलब बोर्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन इतना ज्यादा वो पेपर को बनाने में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो ये सोच के चले कि हाँ इस पहले पेपर ऐसा हो चुका है, बच्चों को हमने हिंट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये मान के चले जो प्रीवियस पेपर से आपको आइडिया लगता है वही इस पेपर से उनको आइडिया लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई नया ट्रेंड देखने को मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब खुद ही सोचिए ना आप, एक एग्जाम्पल मैं लूं कि 2019 का पेपर देखा आपने, आपने देखा यार इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके पास बुक्स में या कहीं भी कितने हैं, जितने हैं वो आप कर ही रहे होंगे, मतलब आपको ये बात पता है फिर भी आप क्या कर लो रेस के लिए, कुछ अलग से कुछ कर तो नहीं रहे हो ना, पढ़ी रहे हो वही कर रहे हो, तो वही करना है। तो अगर उन स्टूडेंट्स को कुछ पेपर मानो आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसा आया वैसा आया, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। SSC जो है, बल्कि ये थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं वो ट्रेंड ना चेंज कर दे आगे वाले पेपरों का, या कुछ उसमें कुछ नया ना चेंज कर दे कि बच्चों को थोड़ा सा वो करने के लिए कि भाई उनको थोड़ा पेपर का आइडिया होगा, तो वो कुछ ना करे तो बेहतर है, समझ रहे ना। कुछ कर देगा तो समस्या हो जाएगी उनके लिए भी बेचारों के लिए। तो ये समझ लीजिए उन बच्चों के पास जो है वो सिर्फ सिर्फ टाइम मिला है उन्हें, एक एडवांटेज के तौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ समय है, और डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जाए तो बस यही है कि पेपर लेट ही है भाई, और खिसक गया कि जिनका निपट जाएगा उनका निपट ही जाएगा पेपर। और इस बार टाइम तो किसी की शिकायत होनी नहीं चाहिए क्योंकि समय ही समय मिला है, पेपर कहां पिछले साल स्टार्टिंग में मार्च में होना था, 31 मार्च मुझे अच्छी तरह याद है, सिलेबस विलेबस खत्म करके मैं भी बिल्कुल रिलैक्स था कि मार्च में पेपर बस हो जाए किसी तरह से बच्चों का, और वो अभी भी, तो ये कितना भी टाइम हमें दे दे, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना भी टाइम हमें दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से, वो हालात लास्ट टाइम पे फिर वही होती है। जैसे अभी हमें लग रहा है कि अरे यार रिविजन भी करना है, पेपर भी कराना है, अरे 6 महीने थे हमारे पास, ठीक है, आगे इतना खिसक गया था तो भी, तो ये होता ही है, ये जनरल है। हम इसके बाद डेट और भी खिसक जाती, 4 महीने तो हम फिर से तैयारी उसी तरह से शुरू कर देते। बस ये हो गया कि अच्छा मौका हमें ये मिल गया कि इस चैनल पे हम लोगों ने अच्छा कंटेंट डाल दिया है जो इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा, और इस पेपर में तो कर ही रहा है, तो ये हुआ कि हमने वो पावर प्लांट या इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से इसमें कर लिए हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं किए थे, ठीक है ना। तो इसमें एक अच्छी प्लेलिस्ट मतलब बनी हुई है, आपका कोई सडन पेपर होता है तो आप फटाफट फटाफट 10-15 दिन में वो प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हो अपनी तैयारी, और पिछले बच्चों ने किया है, जबकि वो प्लेलिस्ट तो अधूरी थी पिछले वाली, फिर भी उसमें से बच्चों ने पेपर निकाले हैं, तो इस बार ये पूरी प्लेलिस्ट है। और अगर आगे जाके हमारा जैसे ही SSC निपटता है और नेक्स्ट SSC के लिए मैं आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह करवाता हूं, तब सोचिए ना कि जब मैं बचे हुए टॉपिक पे भी काम कर लूंगा तो कितना अच्छा कंटेंट यूट्यूब में फ्री अवेलेबल होगा, ठीक है। और करने वाले बच्चे सिर्फ इससे भी अच्छा कर लेते हैं, मैंने बोला ना पेड़ सिर्फ यही है कि बच्चों को थोड़ी बच्चों को भी हेल्प हो जाए और कुछ हमें भी हेल्प हो जाए वाली चीज है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, बाकी सब जो है वो प्रॉपर कर लेंगे।
ठीक है। तो इसलिए टाइम वाइम या इस चीजों की शिकायत मत करो, वो सिर्फ वही है कि उनकी इलेक्शन इलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर खिसकना फायदेमंद तो कहीं से नहीं है, ठीक है ना। ये नुकसान ही मुझे लग सकता है कि अगर बिहार वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है तो थोड़ा बहुत नुकसान है कि भाई चलो लेट होगा, दिमाग में हेडेक निपटेगा वो अगले पेपर की। तो मेरे हिसाब से उनके लिए मेरे लिए राय ये है कि आप प्रॉपर अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें कि आपका पेपर यही होने वाला था और उसका टाइम निपटते ही अगले वाले एसएससी की तैयारी शुरू कर दें, मतलब जो सब्जेक्ट वीक है उन पर काम करना शुरू कर दें, बस ये चीज हो सकती है। तो आपको समझ लीजिए दो एसएससी एक साथ देने को लगभग मिल जाएंगे, एक दिसंबर में और एक आपका मार्च में, समझ रहे ना। तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा बच्चों और कुछ नहीं, क्लियर है, क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा सेशन यहाँ पे केमिकल वेल्डिंग को लेके। अब मैं इसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूं उसमें बड़े ढीले रहते हैं सारे देखने में, तो ऐसा ना करें, ठीक है। अपलोड करें, जब अपलोड सेशन होता है तो उसको भी प्रॉपर देख लिया करो, ठीक है। जो है रेगुलर वो तो देख ही रहे हैं कैसे भी करके। तो मैं इसके जस्ट बाद गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बस कन्वर्ट करना है मुझे यूट्यूब के फॉर्मेट में, और मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज उसको आप हाथों हाथ फटाफट रट दीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि पुराना वीडियो है तो क्वेश्चन हो भी सकता है आपको कोई हो डाउट वगैरह तो वो पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज। कल हम करेंगे आर्क वेल्डिंग, लेकिन उससे पहले कल हम करेंगे आपका प्रैक्टिस। तो प्लीज 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 अभी जैसे ही मैं शेयर करता हूं ये इंफॉर्मेशन कि कल के प्रैक्टिस का शेड्यूल टाइम क्या रहेगा, तो आपसे गुजारिश है, ठीक है, कि इस मैसेज को सब जगह फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि कल प्रैक्टिस सेशन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां डिस्कस होने वाले हैं एसएससी के लिए, एक घंटा निकाल के प्रैक्टिस कर लो, यू विल गेट डेफिनेटली सम बेनिफिट इन करंट एग्जाम्स, क्लियर है। क्योंकि मैं सभी बुक सभी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन लेके चलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। तो प्लीज आप लोगों का काम सभी ग्रुप्स में अलर्ट करना है सबको, तो कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा एक चीज मैं और बता रहा था, दिमाग से मेरे उतर गई अभी, मुझे एक जस्ट याद आई थी, चलो खैर अब उतर गई दिमाग से तो फिर अब बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज और थी।